मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने 5 दिन पूर्व हुए विपिन हत्याकांड के 2 शातिर आरोपियों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने 5 दिन पूर्व हुए विपिन हत्याकांड का सोमवार को खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को आला कत्ल डंडों के साथ गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विपिन की हत्या को इसलिए अंजाम दिया गया था क्योंकि वह आरोपी रवि की बहन की शादी होने के बावजूद भी उसे फोन कर परेशान किया करता था। दरअसल मामला बीती 19 अप्रैल का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर गांव के जंगलों में विपिन नाम का युवक घायल अवस्था में पुलिस को मिला था, जिसके उपचार के दौरान मेरठ में मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर के आधार पर सर्विलांस की मदद से हत्यारोपी रवि और आकाश उर्फ सन्नी निवासीगण बुढ़ाना को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2 डंडे भी बरामद किए हैं, जिससे मृतक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। पुलिस ने विपिन हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि मृतक विपिन आरोपी रवि की बहन की शादी होने के बावजूद भी उसे फोन कर परेशान किया करता था, जिसको लेकर रवि ने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर विपिन की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आज पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 19/4/2022 को ग्राम सुल्तानपुर के जंगल में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने तत्काल उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा, वहाँ से उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उसकी शिनाख्त बड़ौदा निवासी विपिन के रूप में हुई। उसके बारे में उसमें गहन विवेचना प्रारंभ की गई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा CO बुढ़ाना विनय गौतम और जितेंद्र यादव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। उस टीम ने सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों द्वारा मृतक को मारा गया था। उसको मृतक को खेत में ले जा करके उसको डंडों से मार करके उसकी हत्या की गई थी, और इस हत्या में प्रयोग जो डंडा था वो बरामद कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर हत्या का कारण क्या? अभी तक जो पूछताछ में आया, हत्या का कारण ये है कि जो अभियुक्त है उसकी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी, उससे अभी भी मृतक जो था वो बात कर रहा था, इसी से रुष्ट होकर के इन लोगों ने मृतक की हत्या कर दी। सर क्या क्या बरामद इनसे हत्या का? इनसे जो डंडा प्रयोग में लाया गया था जिससे ये हत्या की गई थी, उसको बरामद कर लिया गया।